माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि ग्राम पंचायत के 20 लाख का जो कार्य एजेंसी बनाने का अधिकार था उसको 50 लाख करेंगे, और इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने समस्त कलेक्टर, जिला पंचायत के सीओ और जनपद पंचायत के सीओ को भी जो है आदेश दिए हैं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीएमएफ से जो कार्य स्वीकृत है, मंडी बोर्ड की कार्य स्वीकृत है, नाबार्ड की कार्य स्वीकृत है, और अभी समक्ष शिक्षा मंच से जो है कार्य स्वीकृत है, करीब करीब जो है ये 621,81,08,000 रुपए, डीएमएफ से 12,33,66,000 रुपए, ये सभी काम में, किसी भी काम में ग्राम पंचायत को जो है एजेंसी नहीं बनाया गया है, बल्कि विभाग को एजेंसी बना करके विभाग के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम गांव को बढ़ावा देंगे, ग्राम पंचायत के अधिकार को सुरक्षित करेंगे, उनके अधिकार को बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ विभाग से ये काम करवाने के कारण 11,664 पंचायत के लोग एक कार्य से वंचित हैं। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, इसकी चिंता सरकार को नहीं है, बल्कि इनके ठेकेदार काम करें और गुणवत्ता विहीन काम करें, इसकी चिंता जो है सरकार को है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, समक्ष शिक्षा मंच में जो अतिरिक्त कक्षा और मरम्मत के लिए है, इसके 12 कालम में इन्होंने लिखा है कि इस कार्य हेतु निर्माण एजेंसी का निर्धारण संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत को एजेंसी नहीं बनाया जाना है। चलिए, आपका उपाध्यक्ष, ऐसा ग्राम पंचायत ने क्या गलती कर दिया कि इसको जो है एजेंसी नहीं बनाना है? दूसरी तरफ ये खूब बोलते हैं कि कलेक्टर जो आपके सुनने जाना सब बात आ गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मैंने इसमें स्थगन दिया, चूंकि 11,664 ग्राम पंचायत की बात है, जन प्रतिनिधियों के अधिकार की बात है, और ये सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने के लिए ये जो है काम कर रहे हैं, इसलिए इस पे मैंने आपको स्थगन दिया है। मेरा निवेदन है, इसको कहा करके आप चर्चा दे रहे हैं।